क्या इससे पहले कभी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए? हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है मगर अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बड़ी जमातें मेरा वजीर आजम खेलने की बजाय अवामी तहफ़ुज़ात को समझें। सेनेटर कोहदा बाबर ने बयान जारी कर दिया, कहा सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकता। क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह है? क्या करारदाद आईने पाकिस्तान के खिलाफ थी? इलेक्शन की जरूरत तो पंजाब और केपी को भी थी, बड़ी जमातें रुकावट क्यों बनी? क्या फैसले चंद बड़ी जमातें करेंगी? क्या मुंतखब रुकन की कोई हैसियत नहीं? हमने अपने तहफुजात करारदाद में पेश किए, इलेक्शन कमीशन गौर करे, कल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी जमातों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हर तनकीद करने वाले को सुना, सबकी दास्तानें जाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं। बहैसियत मुंतखब रुकन किसी की ख्वाहिशात की तकमील और वजीर आजम बनने के लिए आलाकार नहीं बन सकता।